लेकर मैं आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए लेकर आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप मी होम सिक्योरिटी कैमरा को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्या वो पूरी प्रोसेस रहती है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है हमें कनेक्ट करने में। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे किस तरह से आप उसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस डिवाइस को या इस कैमरा को कनेक्ट करें या यूज़ में लाएँ। तो सबसे पहले हम इसको इनपुट दे देते हैं। दरअसल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया गया है, इसको मैं इनपुट दे दूंगा। देन उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ येलो लाइट जल जाएगी, तो कुछ इस तरह से ये लाइट जल जाती है। देन उसके बाद मैं इसमें एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर दूंगा, तो मेमोरी कार्ड कुछ इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाता है। देन उसके बाद इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो गया, तो ये एक बार 360 राउंड कर लेगा। तो ये बोल रहा है स्कैन QR कोड और वेटिंग फॉर कनेक्शन, कुछ इस तरह की ये आवाज़ देता है। दरअसल इसमें स्पीकर भी है जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में जाऊंगा जिसमें मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो इसका एक ऐप आता है जो मी होम के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं मी होम पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इसमें इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं कर देता हूँ ऐड डिवाइस, तो मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा। तो ये दरअसल ब्लूटूथ को सबसे पहले ऑन करता है। देन उसके बाद ये कहता है कि वाईफाई को ऑन कीजिए, तो मैं वाईफाई को भी ऑन कर लेता हूँ। तो वाईफाई को ऑन करने के बाद मैं इसमें बैक चला जाऊंगा और देखूंगा कि नियर बाय डिवाइस क्या आ रहा है। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ, तो नियर बाय डिवाइस मेरा मी होम सिक्योरिटी कैमरा आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद ये कहेगा कनेक्ट टू अदर राउटर। तो दरअसल आपके पास किसी और मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए या फिर आपके पास घर में वाईफाई है तो आप उसको भी यूज़ में ला सकते हो। जैसे कि इसमें ऑप्शन आ रहा है Jio Fi 2, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद कुछ इस तरह का ये मैसेज आएगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे हम प्रोसीड करेंगे, तो इसमें QR कोड आ जाएगा, तो ये बोलता रहेगा कनेक्ट टू यूअर डिवाइस। तो मैं इस कैमरा के सामने इसका QR कोड को दिखा देता हूँ, तो ये बोल रहा है कि QR कोड सक्सेस हो गया है। तो उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल इसमें जो लाइट है वो ब्लू कलर की हो जाती है QR कोड स्कैन होने के बाद। तो अब मैं इस पे नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ प्रोसेस चलती है, तो हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये आ जाता है। देन उसके बाद मी होम शॉर्टकट, यानी कि इससे आपका होम पे शॉर्टकट आ जाएगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। देन उसके बाद कुछ इस तरह से ये दिखा देगा, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो हमारा कैमरा ऑन हो गया है। देन उसके बाद आप लाइव फुटेज देख ही रहे होंगे। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से ये मूव कर जाता है। तो ऊपर नीचे करके देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ और आप ऊपर की तरफ रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे किस तरह से ये रिकॉर्डिंग होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो इस डिवाइस को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन बता दूंगा। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।